पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। फर्स्ट हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पार्ट्स बताया था, इसमें मैंने फीचर्स को पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। और आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा फ्रेगमेंटेशन है। आइए फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, इट इज द कॉमन मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर प्रेजेंट इन द एल्गी भी कह सकते हैं और कुछ प्लांट्स में भी हमारा जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। और एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ये एल्गी में होता है। एल्गी में जितने भी एल्गी हैं सभी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। एज एग्जाम्पल्स आपको बताता है, ये मान लीजिए स्पाइरल का है, स्पाइरल ये जो है हमारा क्या है, स्पाइरोगाइरा। इसके जो फिलामेंट है, ये जो हमारे इसको बोलेंगे फिलामेंट जो है ये हमारे क्या होगा, ये फिलामेंट फेवरेबल कंडीशन में ब्रेक होगा। क्या होगा, पेरेंट सेल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये क्या करेंगे, ब्रेक होकर सेपरेट होकर न्यू डॉटर का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं न्यू इंडिविजुअल और ऑप्टिक। इसमें न्यू डिविजन ऑफ पेज में हमारा क्या ऑप्टेज होता है, स्पाइरोगाइटा ऑफ पेज होता है। सो इट इज अ कॉमन मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर प्रेजेंट इन द एल्गी। एल्गी में आपका जो है कॉमन मैंने लिया है स्पाइरोगाइटा, यूरल सेक्स भी हो सकता है। और एक्चुअली आपको पता ही है कि जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है उसको हम लोग कहते हैं मेखंडन। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रेगमेंटेशन के बाद सेकेंड थर्ड जो आता है वो हमारा होता है बडिंग। बडिंग ये भी क्या है, जो बडिंग को हम लोग आपको बोलते हैं मुगलन कहते हैं। बडिंग जो होता है ये भी क्या है, कॉमन मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कॉमन मेथड्स होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विच आर फाउंड इन द यूनिसेलुलर फंजाई। इनिशियल फंजाई भी कह सकते हैं हमारा जो एक उसका जो फंजाई होते हैं उसमें हमारा ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एज ए लाइक एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, हमारा यीस्ट होता है, इसकी जो सेल होती है ये हमारा क्या है, इसकी सेल है। इसकी सेल्स में क्या है, ये न्यूक्लियस है और अंदर जो है हमारा इसका साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर भी डिविजन होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिविजन होगा, दोनों में डिविजन की प्रोसेस होगी। इससे क्या होगा, इनके आउट ग्रोथ होते हैं, इसमें क्या होगी, आउट ग्रोथ हो जाएगा। ये इसको बोलेंगे तो आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन। आउट ग्रोथ में क्या होगा, जैसे ही हमारा आउट ग्रोथ होता है, आउट ग्रोथ होने के बाद जो हमारा ये आउट ग्रोथ होगा इसमें न्यूक्लियस का भी डिविजन होगा और ये जो सेल है आपस में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद वो न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली ये प्रोसेस किसमें होगा, इसमें होता है। और ये प्रोसेस जो होती है ये फेवरेबल कंडीशंस में होती है। जो हमारा लास्ट है फोर्थ जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो होते हैं वो आपको एक्चुअली पता ही है कि जो एल्गी होता है फंजाई होता है और भी जितने भी जेनोफाइट्स होते हैं उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर जो होते हैं हमारे एक्चुअली जो हो गए स्पोर को हम लोग बोलते हैं स्पोर इज थ्री टाइप्स के कह सकते हैं। इसको थ्री टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्पोर हो जाएंगे जो स्पोर। सेकेंड जो हो जाएगा हमारा कोनिडिया और थर्ड जो होगा हमारा जिम्निबस।
फर्स्ट आपको समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं जोस के, जोस स्कोर यहाँ बताते हैं। तो एक्चुअली जोस स्कोर ये जोस स्कोर है, जो स्कोर जो होते हैं इसका फॉर्मेशन जो होगा वो जो एक्सपोनेंशियल होता है। जो एक्सपोनेंशियल कहाँ बनेंगे ये जो एक्सपोनेंशियल, आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल में जो होंगे वो सेम टाइप्स के स्कोर भी होते हैं, अगर सेम टाइप्स के स्कोर होंगे तो उसको होमो स्कोरस कहते हैं, अगर डिफरेंट टाइप्स के स्कोर होंगे तो उसको हेट्रो हेट्रो और फ्लैजिला जो होता है वो कौन सा ऑर्गन है, तो लोको मस्कुलरी लोको कोनिडिया कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है, आपको पता है कि कोनिडिया जो है वो हमारे क्या होता है कि नॉन मोटाइल होते हैं, ऐसे होंगे नॉन मोटाइल होते हैं, मीन्स इसमें क्या ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें फ्लैजिला फ्लैजिला ऑब्जेक्ट होगा, फ्लैजिला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि ये हमारा जो है कोनिडिया का फॉर्मेशन जो होता है वो कोनिडिया एज ए टॉप ऑफ द कोनिडियो फोर, कहाँ पे होगा इसका फॉर्मेशन जो होगा, टॉप ऑफ कोनिडियो फोर, टॉप ऑफ द कोनिडियो फोर पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक्चुअली ये जापस इस पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे ये पेरिसीलियम में प्रेजेंट होगा, इस पर प्रेजेंट होगा पेरिसीलियम। ऐसे एक जापस के थ्रू मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, ये हमारा पेरिसीलियम है, पेरिसीलियम के अपर सर्किल पे जो होगा हमारा कोनिडिया है, ये कोनिडिया, और कोनिडिया के लिए जिससे अटैच होता है उसको कोनिडियो फोर कहते हैं, कोनिडियो फोर। ठीक है, ये कोनिडिया जो है ये फेवरेबल कंडीशन में सेपरेट होता है, क्या करेगा कोनिडिया जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन में पैरेंट सेल से सेपरेट होकर न्यू पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करेगा, इसका फॉर्मेशन करेगा न्यू पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करता है, न्यू पेनिसिलियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल उसमें इसका पेनिसिलियम हो जाएगा, थर्ड नंबर का बच गया है, थर्ड को हम लोग बोलते हैं जिम्बियोट्स, जिम्बियोट्स। एक्चुअली ये एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट होता है, ये हमारा जो है इंटरनल इंटरनल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यूनिट और यूनिट होता है, और ये प्रेजेंट इसमें होता है, तो स्पंज में ये प्रेजेंट स्पंज में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली हमारे जो जिम्बियोट्स होता है आपको दिखाते हैं, ये फिगर है, और इसके फिगर में जो है हमारा ये बीच बीच में इसके ये जिम्बियोट्स पिल है, इसको बोलेंगे हम लोग जिम्बियोट्स, बीच बीच में ये हमारे इसके अंदर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके स्पाइक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टाइप स्पाइक्यूल, एक्सॉन टाइप स्पाइक्यूल्स जो हमारा स्पंज में प्रेजेंट होता है। ये जिम्बियोट्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में वो क्या करेंगे, इस वॉल को ब्रेक करके और सेपरेट होकर वो क्या करेंगे, न्यू स्पंज का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो जो हमारा जिम्बियोट है किसी रॉक सबस्टेंस से अटैच हो जाएगा और अटैच होकर वो क्या बनाएगा, स्पंज का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे आप लोग जानते हैं जो मेन हम लोग का जो होता है स्पंज, वो स्पंज में हमारे बहुत सारे स्पंज है, एक को बोलते हैं वेनस वेनस फ्लावर वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट, इसको हम लोग बोलते हैं वेनस फ्लावर ऑफ बास्केट।
आपको पता ही है कि मेन जो होता है हमारा वो स्पंज है, तो हमारा ये जिम्बल्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में दूंगा।